और रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश के। और अंकुश, बड़ा फैसला सुनाया गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आज का दिन सबसे यादगार दिन बन जाएगा, ऐतिहासिक दिन बन जाएगा, जो वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। इतना बड़ा फैसला और इतनी बड़ी सजा। देखिए बिल्कुल, और इतने बड़े फैसले के बाद अब पूरे देश में कोहराम की स्थिति है। कोहराम की स्थिति इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी अब इसका पूरा विरोध करते हुए नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका विरोध दर्ज करा चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं, और सीधे सीधे तौर पर ये केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार की जो एजेंसियाँ हैं उनका दुरुपयोग करने का आरोप यहाँ पर लगाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा था कि ये अफरा तफरी के माहौल में फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर की गई है और इसलिए इतना बड़ा डिसीजन हुआ है। कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध में तो उतरी है। युवक कांग्रेस जो है वो राजधानी रायपुर की सड़कों में प्रदर्शन करने पर उतर आई है। बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा फैसला आया है, बड़े फैसले, सबसे पहले तो इस फैसले को आप विधि सम्मत मानते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, ये पूर्णतः दुर्भाग्यशाली फैसला है और जैसा कि सबको विदित था, ये अपनी चोरी को बचाने के लिए इन्होंने राहुल जी की कार्रवाई किया। एक और पहले कोशिश करते थे कि राहुल जी को संसद में बोलने का मौका ना मिले, बार बार इनके द्वारा माइक को म्यूट किया गया और एक अवसर आया और उस अवसर के बाद इन्होंने उस अवसर का दुरुपयोग करते हुए सहसा अभियान चलाया। राजीव जी ने, राहुल जी ने क्या गलत बोला था? हर उस व्यक्ति नाम का व्यक्ति मोदी, चाहे वो ललित मोदी हो चाहे वो नीरव मोदी, चोर तो है। और ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों पर यदि आपत्ति करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो राहुल जी ने क्या गलत बोला था? आज देखिए, आज अदानी पैसा लेके भागने की फिराक में है और यदि राहुल जी प्रश्न उठाते हैं तो उनको स्वाभाविक रूप से तकलीफ होती है, उनको बोलने से रोका जाता है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, 140 दिन की पद यात्रा, उनकी बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन, और जो झूठे वादे करके शब्द बाग दिखा के सरकार में आए थे, उन सारे सपनों का टूटते जाना, चाहे वो लोकपाल हो चाहे ये सुचिता की बात हो, ये लगातार संविधान के उल्लंघन करते आ रहे हैं। ईडी का, सीबीआई का, ये सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते आ रहे हैं। लोकपाल जैसी चीज़ों की बात करते थे, लोकपाल गायब हो चुका है और अब ये तानाशाही उतर आए हैं और इसी की परिणति आज ये हुई है। लेकिन हम लड़ेंगे, हर जोल जुम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, और अतिदाइयों को हम उनके मुंह की खाने पड़ेगी। अब बात कर रहे हैं कि लड़ाई होगी, हम लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह रहे हैं हम लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से अब आरोप आप लोग लगा रहे हैं, उसके बाद अब 5 बजे आप लोगों की CWC की बैठक भी है, क्या लग रहा है, क्या स्टैंड रहेगा, क्या आगे क्या रास्ता है? अब उसका एकमात्र विकल्प है इस अतताई सरकार को उखाड़ फेंकना, इस ताना सरकार को उखाड़ फेंकना, जिन्होंने लोकतंत्र की दुहाई देके सरकार में आने का प्रयास किया और लोकतंत्र की हत्या करने में, प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या करने में लगातार आतुर हैं। अब देखिए, इनके द्वारा सारी संवैधानिक संस्थाओं का हनन किया गया, वो चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सभी चीज़ का दुरुपयोग किया गया और आज इसके बाद ये जो हरकत की गई, न्यायपालिका में लगातार हस्तक्षेप किया गया, अब जो है पराकाष्ठा हो चुकी है और अब इसका एक ही विकल्प है इस अतताई सरकार को उखाड़ फेंकना। तो ये पहली बार नहीं है क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है, इसके पहले भी कई सांसद ऐसे रहे जिनकी सदस्यता खत्म हुई है, खुद इंदिरा गांधी जी की भी सदस्यता एक बार खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी क्या रास्ते बचते हैं, विकल्प क्या बचते हैं? जी देखिए, अन्य विधायक और सांसदों जो हुए हैं या तो कोई आपराधिक प्रकरण में हुए हैं या कोई भ्रष्टाचार के प्रकरण में, ये पहला एक ऐसा मुद्दा है जो एक सभा में, जो कि राजनीतिक पार्टियों का अधिकार होता है, प्रजातांत्रिक अधिकार होता है, दिए गए भाषण के आधार पर हुआ हो, ये इस सरकार का डर को बताता है। यदि कोई आपराधिक प्रकरण होता तो शायद कोई और बात होती, भ्रष्टाचार का विषय होता तो और बात होती, लेकिन यहाँ तो चूंकि बोला गया है और ये बोल इनको इतनी तकड़ी लग गई क्योंकि चुभ रही है वो बातें कि सबको पता है ये भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ ही उनका संरक्षण है। आज अडानी अंबानी का जो संरक्षण है, जो सारे बैंक से पैसा लेके भाग रहे हैं, सबको इनका संरक्षण, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, मेहुल चौकसी गिरफ्तार नहीं आता, उसके खिलाफ जो आपका इंटरपोल है वो अपनी शिकायत वापस ले लेती है, उनका पासपोर्ट का रिन्यूअल हो जाता है, ये सब चीज़ें किस बात की शिकायत होती है? एक 420 को आप जेट सिक्योरिटी दे देते हैं केतन देसाई को,
नोटबंदी के समय 13,000 करोड़ का घोटाला करने वाला एक पटेल जिसके बारे में आप बात तक नहीं करते, ये सब कौन याद करेगा? ये सब भ्रष्टाचारी है, उनका इनका संरक्षण है। और राहुल जी ने यही बातें तो सभा में कही थी, इनको चुप गई, सदन में बोलने देते नहीं हो, जब वो सार्वजनिक बोलते हैं तो इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। लेकिन मैंने पुनः कहा कि हम लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे। टेक्निकली रूप से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता, अंकुश, यहां पर कहीं ना कहीं अब लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और अब इस पर भी इंतजार बना हुआ है कि CWC की मीटिंग